नहीं दिया गया जो जिम्मेवार है आज जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वही बना ली है तो सरपंच बुला गए हाँ जी यहाँ जो पंचायत की है आज बताइए इसमें ऐसा है जी आज की जो ये मीटिंग बुलाई है इसमें गांव के मौजूद आदमी और हमारे जो पदाधिकारी हैं जैसे केडी है जिला का प्रधान है और युवा साथी जितने इनकी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि गांव के कई आदमी और नज़दीक के गाँव माँ के 8-10 गांव के आदमी मुड्डा साहब से मिले थे और उनकी एक मांग करी थी कि जी हमारे गांव में लड़कियों का कॉलेज बनना चाहिए तो गांव को आश्वासन दिया था उन्होंने कि भाई पहली कलम से मेरी सरकार आ गई तो डीगल में लड़कियों का कॉलेज बनेगा। उस बात को लेके फिर गांव वाले बोले भाई जलसा और करो तो दीपेंद्र साहब एमपी साहब का हमारे अजीज दीपेंद्र जी का प्रोग्राम आ गया 3 सितंबर का। 3 सितंबर को उनकी मीटिंग आ गई और ऐसी मीटिंग आ गई क्योंकि एक तो जैसे सारा जानते हो आप जो कांग्रेस का जो सारा इंडिया का जो वन इलेक्शन वन चुनाव का चल रहा है तो इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई और उसमें से कैंसिल नहीं हुआ पोस्टपोन किया। तो पोस्टपोन करने के लिए फिर ये बताया भाई मैं एमपी साहब बोले मैं डेट बता दूँगा मखाब मत बताओ फिर न्यू कहेंगे मेरे ताई बता दी पन्नी साहब ताई मैं गांव के बीच में जाऊंगा गांव फैसला कर लेगा। तो गांव ने 24 तारीख का फैसला किया है और इसमें ये अपनी स्वागत कमेटी भी बनाएंगे और मांग पत्र भी रखेंगे जो मांग है तो उसमें मेरा सुझाव यही था भाई ज़्यादा मांग हमने एक मांग पढ़ना है अटल है क्योंकि उसमें फिर दूसरी मांग जो जोड़ने से मांग हमने फड़ाई दी बहुत सी है लीगल वो तो बता दिया वो बता दी। तो अब जो है जिस हिसाब से तो 24 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जो है कै बजे भाई 11 बजे फिर सारा टाइम हर आदमी से मिलेगा तो 24 तारीख ये गांव मैंने ये कमेटी बताएगी फिर ये पूरा कमेटी इस लाइन पर बताएगी और 24 तारीख के बाद 24 तारीख में ये है कि भाई जब एमपी साहब आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी वहाँ पर होनी चाहिए और लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपने इंडिविजुअली भी हम मिलवाएंगे हर आदमी से हाथ मिलवाएं हर आदमी अपनी बात कह सकता है। तो ये मेरी मैसेज है कि नज़दीक के जितने 20-25 गांव उनके प्रतिनिधि कम से कम यहाँ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी हो ताकि उनका स्वागत भी हो और हमारी मांग जो है वो मजबूती से उठा सके। सर जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी है भाजपा से बनवाना चाहते हैं आप अपनी सरकार में ये भाई ऐसा है हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। कोई और बनाए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं गांव जाए कोई उनकी हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हम उसका भी स्वागत करेंगे। हमारा निशाना है अर्जुन की जो निशाना था ना मछली की आंख थी हमारा मछली की आंख हमारा है लड़कियों का कॉलेज वो बनना चाहिए किस तरीके से बनेगा वो गांव राम के ऊपर भाई साहब बुड्ढा साहब आए नहीं थे वो उद्घाटन कर दिया था हॉस्पिटल का तो आप भी नहीं हुए कर पहले नहीं आओ पहले आओ उद्घाटन करो कल काम चालू करो। जिस तरह से गाँव में जाने ये बोले कि अब आपकी बार है डॉक्टर के परिवार से कोई आ सकता है डॉक्टर साहब को चुनाव में भाई ये तो भविष्य की बेरी की जनता की ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ यहाँ नए आदमी से बात नहीं बनेगी यहाँ पुराना आदमी जो नौकरी कित दरी है खजाना कित दरिया है ग्रांट कित दरी है जैसा नए आदमी ने तो यार बाथरूम भी ना पावे इसलिए इस हल्के ने चाहिए पुराना आदमी चाहिए मेरी एक एक लड़ाई है ये रोजगार के लिए लड़ाई लड़ू हर घर में तो शायद मतलब रोजगार जो है ना हर हाथ को तो नहीं हो सकता लेकिन हर घर में रोजगार देने का काम करूंगा ये मैं आपके बीच जो बेरी हल्के की जनता कह रही है कि रघुवीर का जन हार नहीं सकता ना घमंड मन्ना सिखाओ मेरे भाई वो ये भाई जनता बताओगी या बात तो मैंने नहीं बता तू जनता जब जनता पूछ कह है तो जनता तो पूछ लिए मेरी बात मैं नहीं बता सकता हमारा धर्म है हमारा कर्म काम करना भाजपा का उम्मीदवार डीगल से भी हो सकता है
वो तो प्रजातंत्र है जी, प्रजातंत्र है जी, हर आदमी का असर पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, हर आदमी का मतलब अधिकार है, लेकिन आज जो जरूरत है ना, आज इस इलाके या जो धरती है ना, इस इलाके का विकास का रास्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बटन से गुजरता है। वो कोई नाम जात पात की बात करते, ना गांव की करते, ना खाप की करते, हम तो विकास की बात करते हैं, और विकास का बटन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जनता जान चुकी है। इस हिसाब से हम कौन कैंडिडेट होगा कहाँ, इस बात पर हम जा नहीं रहे, वो तो ना 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 ऐसी बात नहीं। अरे बहुत सारी बात है, टाइम बहुत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनलों को, आपके व्यूअर को, देखने वालों को, सबको आप बहुत बहुत आपका सुंदर भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू।